आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, सीता, गीता और रीता ने एक व्यापार में 20,000 रुपया, 50,000 रुपया और 40,000 रुपये का निवेश किया। उनको एक वर्ष में प्राप्त कुल लाभ 12,100 रुपया था, जिसे उन्होंने अपने निवेशों के अनुपात में बांट लिया। रीता को प्राप्त हुआ लाभांश ज्ञात कीजिए, यानी रीता को लाभ के रूप में कितना प्राप्त हुआ है। टोटल लाभ तो इतना हुआ है, जिसमें सीता का, गीता का और रीता का सभी का लाभ मिला हुआ है, तो रीता को कितना मिलेगा ये ज्ञात करना हम लोग को। तो सबसे पहले देखेंगे कि किसने किसने इन्वेस्ट किया, सीता, गीता, रीता। सीता, गीता, रीता, कितना है इन्वेस्टमेंट? सीता का 20,000, गीता का 50,000 और रीता का 40,000। बोला एक वर्ष में, यानी सभी ने कितने समय के लिए लगाया धन अपना, एक वर्ष तक अपना धन लगाया, और एक वर्ष के बाद टोटल लाभ कितना मिला, 12,100 रुपया। अब लाभ का बंटवारा कैसे कर रहा है, बोल रहा उन्होंने अपने निवेशों के अनुपात में बांट लिया। निवेश मतलब जिस अनुपात में अपना धन लगाए थे उसी अनुपात में लाभ को भी बांट लिया, यानी निवेश को हम लोग अनुपात में बदल लेंगे, जितना लगाया जाता है उसी को कहा जाता है निवेश करना। तो ये हो गया, इसको अनुपात में बांट लेंगे तो 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 खत्म है, कितना आ गया 2,5,4, 2,5,4 निवेश का अनुपातिक मान। तो टोटल कितना आ जाएगा, 2,5,7,7,4,11, यानी कि टोटल लाभ कितना होना चाहिए। अब लाभ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है कि निवेशों के अनुपात में बांट लिया, यानी जितना निवेश किया और जो उसका अनुपातिक मान आएगा वही क्या होगा, उसका लाभांश का, यानी लाभ का अनुपातिक मान हो जाएगा, यानी कि लाभ इतना होना चाहिए अनुपात में। लेकिन ये बोल रहा है कि लाभ कितना है, 12,100, तो कह सकते हैं 11 का मान 12,100 काट देंगे, 11 एकम 11, 11 11 121 00, 1 का मान आ गया 1100। अब चूंकि ये अनुपातिक मान है तो जिसका भी पूछेगा उसमें हम लोग 1 के मान से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो किसका पूछ रहा है, रीता को कितना मिला, तो रीता का क्या है, अनुपातिक मान 4, तो 4 के मान के लिए 1 के मान यानी कि 1100 से गुना कर देंगे, 1144,000 रुपया। रीता को कितना मिला, रीता को इस पूरे लाभ में से 4,400 रुपया मिलेगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 4,400 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और भरत ने 48,000, 72,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, यानी कोई बिजनेस शुरू किया। 6,530 के वार्षिक लाभ में से भरत का हिस्सा ज्ञात कीजिए, किसका हिस्सा, भरत का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कौन कौन है, लक्ष्मण, भरत, लक्ष्मण और भरत, इन्वेस्टमेंट यानी कितना पूंजी लगाया, ये कितना लगाता है। लक्ष्मण पहले, यानी कि लक्ष्मण का ये है, लक्ष्मण ने 48,000 रुपया लगाया, लक्ष्मण कितना लगाता है, 48,000। भरत 72,000, भरत का है 72,000, एक व्यवसाय में शुरू किया, वार्षिक लाभ इतना है, यानी कि इसने और इसने दोनों ने एक साल तक अपना धन लगाकर रखा कहीं किए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं कुछ देता कि किसने कितने समय के लिए लगाया, कहीं कुछ नहीं दिया है, सीधे दिया कि वार्षिक लाभ इतना, यानी कि लक्ष्मण ने भी अपना पूंजी एक साल तक लगाकर रखा और भरत ने भी अपना पूंजी एक साल तक लगाया। अब समय जब बराबर है तो लाभ का बंटवारा हम लोग क्या करते हैं, पूंजी के अनुपात में ही बांट देते हैं, यानी जितना इन्वेस्ट किया जाता है उसी को अनुपात में बदल लेंगे और उसी अनुपात में क्या करेंगे, इसको हम लोग बांट लेंगे। तो अनुपात में बदलेंगे इसको, 000 से 000 खत्म है, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 × 48, 24 × 72, यानी कि 2 और 3 के रूप में लाभ प्राप्त होगा। हम लोग का पूंजी का अनुपातिक मान आ गया 2 और 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2, 3, 5, तो टोटल लाभ कितना होना चाहिए था, 5,
लेकिन है कितना 6530, तो 5 का मान 6530। यहाँ समय का यूज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि समय जब समान होता है तो पूंजी को ही हम लोग अनुपात में बदलते हैं और जो अनुपातिक मान आता है वही लाभ का हम लोग का अनुपातिक मान हो जाता है। काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 या 15, 5 6 30, यानी कि 1306। क्या बोला भरत का हिस्सा कितना, तो जिसका पूछेगा उसमें क्या करेंगे हम लोग 1 के मान से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आया अनुपातिक मान है, जब भी अनुपातिक मान आता है तो किसी भी अनुपातिक मान का मान निकालने के लिए 1 के मान से हम लोग उसमें गुना करते हैं। तो भरत का पूछ रहा है यानी कि इसमें क्या करेंगे भरत वाले में 1 के मान यानी 1306 से हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 18 13 3 39, यानी 3918 रुपया भरत को मिलेगा हिस्सा के रूप में। तो हम लोग आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 3918 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, रमणी ने 8000 की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। किसने शुरू किया? रमणी ने। किसने? रमणी ने। 4 महीने के बाद 6000 रुपए की पूंजी के साथ इस व्यापार से जुड़ गया। कौन? वनीता। वनीता 4 महीने के बाद 6000 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार में जुड़ गई। यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत पर उन्हें 3600 का लाभ हुआ तो इसमें वनीता का हिस्सा कितना होगा? वनीता का हिस्सा कितना होगा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे किसने पूंजी लगाया, रमणी ने और वनीता ने। रमणी और वनीता कितना कितना इन्वेस्टमेंट है? रमणी का 8000, 1 2 3, और वनीता का 6000। लेकिन और ये लाभ कब का है? लाभ है 1 वर्ष के अंत का, यानी कि पूंजी कौन लगाया था सबसे पहले? रमणी ने अपना पूंजी सबसे पहले, यानी सबसे पहले व्यापार रमणी ने शुरू किया और लाभ मिल रहा है 1 वर्ष का। कहीं भी बीच में प्रश्न में नहीं दिया गया है कि रमणी का समय क्या है या रमणी बीच में छोड़कर चली गई, यानी रमणी शुरू से अंत तक व्यापार में अपना पैसा लगा करके क्या करता है? छोड़ देता है। यानी कि रमणी ने अपना पैसा कितने समय तक लगाया? 1 साल तक। 1 साल तक यानी कि 12 महीने तक। अब महीना में क्यों बदलेंगे? महीना में क्यों बदलेंगे? क्योंकि यहाँ 4 महीना का जिक्र किया है। जब भी 1 साल न कर करके कहीं महीना का जिक्र करेगा तो साल को हम लोग क्या करेंगे? महीना में बदल देंगे। और 1 वर्ष बराबर क्या होता है? 1 साल बराबर होता है 12 महीना। यानी कि इसने कितने लगाया, कितने समय तक? 12 महीने तक। लेकिन ये कितने महीने तक लगाता है? वनीता 4 महीने के बाद आती है, यानी जब रमणी काम स्टार्ट कर देता है, रमणी अपना पूंजी लगाकर काम स्टार्ट किया, तो इसके 4 महीने के बाद ये आया। कौन? वनीता आती है 4 महीने के बाद। तो इसने पूरा पूंजी 12 महीने लगाया, इसने 12 महीने तक पूंजी लगाया, इसके 4 महीने बाद ये आता है, तो 12 में 4 महीना कम, क्योंकि 4 महीना बीत जाने के बाद ये आता है, तो 12 में 4 कम यानी कितना? 8 महीने तक ही अपना पूंजी लगाता है। यानी जब 1 साल, जब एक इसका 1 साल पूरा होता है तो इसका कितना पूरा होता है? 8 महीना। अब हम लोग निकाल लेंगे क्या लाभ, यानी लाभ का अनुमानित मान हम लोग का आएगा, तो इसको काटेंगे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 000000 खत्म, 4 2 8, 3 2 6, ये हो जाएगा 4 3 12, 4 2 8, इन दोनों को गुना करेंगे यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कितना हो जाएगा? हो जाएगा हम लोग का प्रॉफिट। तो 4 3 12, ये हो जाएगा 3 2 6, इसको काट करके और छोटा कर लेंगे, 6 कम 6 6 2 12, यानी कि हम लोग का लाभ का अनुपातिक मान 2 और 1 आ गया, टोटल कितना? 3 हो गया। यानी लाभ टोटल हम लोग का 3 दिख रहा है, लेकिन ये बोला कि एक्यूरेट लाभ कितना है 1 साल के बाद दोनों का? 3600। तो 3 का मान 3600, हम लोग का यहाँ टोटल लाभ 3 आया और ये बोल रहा है कि 3600 है, तो 3 का मान 3600, 1 का मान निकालेंगे, 3 एकम 3, 12 3 36, 1 का मान कितना आया? 1200। अब क्या हम लोग जानते हैं कि जब भी अनुपात में कोई मान दिया हुआ हो तो उसका मान निकालने के लिए उसमें 1 के मान से गुना करते हैं। किसका पूछ रहा है? वनीता का हिस्सा। वनीता, वनीता का क्या है?
अनुपातिक मान एक है, किसमें? प्रॉफिट एंड लाभ में, तो लाभ में ही तो निकालना है, लाभ का ही तो निकालना है, तो इसके लिए एक का मान कितना आया निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि एक का मान कितना है 1200 है ही, तो हम लोग का सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1200 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, श्रीमान शर्मा गुप्ता सिन्हा किसी व्यवसाय में यानी बिजनेस में 4000 रुपया 8000 रुपया 6000 रुपया निवेश करते हैं यानी लगाते हैं। तीनों ने मिलकर अपना अपना पूंजी लगाया, 6 महीने बाद शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं, यदि 8 महीने बाद 34000 का लाभ हुआ हो तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग सेट करेंगे कि किसने कितना धन लगाया, तो है कौन कौन, शर्मा है, कौन कौन है यहाँ, शर्मा गुप्ता और सिन्हा, क्योंकि श्री तो सब में लगा हुआ है, तो शर्मा गुप्ता और सिन्हा, तो शर्मा गुप्ता और सिन्हा एस आई 4000 इन्वेस्टमेंट कितना है 4000 8000 और 6000, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 6 महीने बाद शर्मा व्यवसाय छोड़ देता है, 6 महीने के बाद ये व्यवसाय छोड़ दिया, यानी कि अपना पूंजी कितने दिन तक लगा कर रखा, 6 महीने तक ही, यानी कि 6 महीने के बाद, जब 6 महीने के बाद ये बिजनेस छोड़कर चला गया तो 6 महीने तक ही ये बिजनेस में रहा, तो इसका समय कितना हो गया शर्मा का, 6 महीना, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, समय हम लोग का किसमें है, माह यानी महीने में। बोल रहा है यदि 8 महीने बाद 34000 का लाभ हुआ, टोटल समय कितना दे रहा है, 8 महीना, कैसे जानेंगे, क्योंकि ये लाभ कब का दे रहा है, बोल रहा 8 महीने बाद 34000 का लाभ हुआ और इसी लाभ का बंटवारा करना है, यानी कि टोटल पूंजी जो है तीनों का 8 महीना से ज्यादा नहीं लगा रह सकता है, ठीक है। तो 8 महीना में 6 महीना तो यही काम किया, 6 महीना बाद ये छोड़ देता है, और शर्मा के अलावा किसी और का कुछ नहीं दे रहा है कि किसने कितने समय तक काम किया नहीं किया, लेकिन ये लाभ जो दे रहा है वो 8 महीने का ही दे रहा है, इसका मतलब कि गुप्ता ने 8 महीने तक अपना पूंजी लगा कर रखा और सिन्हा ने भी 8 महीने तक, यानी कहीं जिसका भी समय नहीं देगा, तो जितना समय लास्ट में दिख रहा है उतने समय के लिए उसने अपना पूंजी लगाकर रखा था, और जो भी बीच में कुछ चेंज हुआ होगा तो देता है, जैसे यहाँ दे दिया कि 6 महीने बाद शर्मा व्यवसाय छोड़ देता है, यानी कि इससे क्लियर हो गया कि शर्मा पूरे समय तक यानी 8 महीने तक अपना पूंजी नहीं लगाए रहा, 6 महीना के बाद ये निकल जाता है, यानी कि शर्मा ने 6 महीना, गुप्ता ने 8 महीना और सिन्हा ने 8 महीने तक अपना पूंजी लगाया। सबको काटेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसको काटेंगे, उसके बाद इसको काटेंगे, तो 000000000 खत्म, कटेगा और काटेंगे, 2 2 4 2 4 8 2 3 6 समय को काटेंगे, क्योंकि समय काटेंगे तो यहाँ देखेंगे इन तीनों में, तो 2 3 6 2 4 8 2 4 8। अब क्या होता है, लाभ बराबर क्या हम लोग पढ़े थे, लाभ बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ है, टाइम यहाँ है, तो गुना करेंगे 2 3 6, ये क्या आएगा हम लोग का, लाभ का अनुपातिक मान, उसी तरह से 4 4 16, उसी तरह से ये 4 3 12, कटेगा तो काट लेंगे, और तो 2 3 6 2 8 16 2 6 12 कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 8 17 3 8 3 11 11 6 17 टोटल कितना आ गया, क्योंकि ये अनुपात किसका निकला है, प्रॉफिट यानी लाभ का, तो टोटल कितना लाभ आ गया हम लोग का, अनुपात में 17, लेकिन ये बोल रहा है कि 34000 था, तो 17 का मान 34000 रुपया, तो एक का मान कितना, 17 एकम 17 17 दूना 34, 1 2 3 एक का मान कितना आ गया 2000, जिसका पूछेगा उसमें क्या करेंगे, एक के मान से गुना कर देंगे, किसका पूछ रहा है, गुप्ता का, तो गुप्ता कहाँ है, यहाँ है, और गुप्ता का अनुपातिक लाभ कितना 8, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, इसमें एक के मान यानी 2000 से गुना कर देंगे, तो 2000 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16000 रुपया गुप्ता को कितना मिलेगा,
गुप्ता को लाभ में से हिस्सा मिलेगा ऑप्शन नंबर डी 16,000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यवसाय में यानी बिजनेस में पी क्यू से आधा और क्यू आर के आधा निवेश करता है, 7,000 मासिक यानी महीना लाभ को यदि उनके बीच साझा यानी बांटा गया, साझा किया गया यानी कि बांटा गया, तो आर का हिस्सा क्या होगा? कौन कौन है? पी क्यू आर इन्वेस्टमेंट, क्या बोल रहा है? पी क्यू से आधा है, पी पी यानी ये क्यू से आधा है, यानी कि जब ये दो होगा तो ये कितना हो जाएगा? एक। इसका अनुपातिक मान ये है, ठीक। क्यू आर से आधा है, क्यू जो है आर का आधा निवेश करता है, पी क्यू से आधा यानी कि इसका आधा ये, क्यू क्यू आर से आधा ये जो है इसका आधा निवेश करता है, यानी कि जब ये चार हो जाएगा तो इसका आधा ये नहीं हो जाएगा, चार का आधा दो, ये हो गया हम लोग का। तीनों का अनुपातिक मान किसका? इन्वेस्टमेंट का। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पी क्यू आर, जैसे जैसे बोलेगा अकेले अकेले सबका करेंगे, पी क्यू से आधा, पी जो है क्यू से आधा यानी कि जब ये दो तो ये एक, क्यू आर से आधा, क्यू यानी कि ये जो है आर से आधा है तो आर यदि दो तो ये एक, इसको हम लोग अनुपात में बदल लेंगे। तो यहाँ जगह खाली है और यहाँ भी खाली है, तो इसके बगल वाले से इसको भर लेंगे, यहाँ हम लोग एक कर देंगे और यहाँ इसके यानी कि इससे भर देंगे, हो जाएगा इसको गुना करेंगे वन, इसको गुना करेंगे टू, इसको गुना करेंगे चार, यानी इस तरह से हम लोग का आ जाएगा। लेकिन इतना न करके जो हम लोग का डायरेक्ट यहाँ सेट हो रहा था तो डायरेक्ट ही सेट कर दिए, लेकिन सेट करने के बाद देखेंगे अंत में हम लोग कि पूरा का पूरा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है कि नहीं, शर्त तो पूरा हो रहा है कि नहीं। जैसे पी क्यू से आधा है, पी क्यू से यानी कि दो का आधा एक, ठीक है। क्यू आर से आधा है तो क्यू आर से आधा यानी चार का आधा दो, हम लोग का सही हो गया। अब क्या बोल रहा है? 7,000 मासिक लाभ, कहीं समय के लिए ये नहीं बोल रहा है, इस मासिक के बाद कहीं समय का बात नहीं बोल रहा है कि पीने कितने समय तक लगाया, क्यू ने अपना धन कितने समय तक लगाया और आर ने कितने समय तक लगाया, कुछ नहीं दे रहा। जब समय अलग अलग कहीं कुछ नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि सभी का समय बराबर है। जब सभी का समय समान होगा तो लाभ का जो बंटवारा होता है वो निवेश के अनुपात में ही होता है, यानी कि जो पूंजी हम लोग का लगा है, जो अनुपातिक मान है, इसी अनुपात में लाभ को भी हम लोग बांट लेंगे। तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा? एक दो तीन चार सात, टोटल लाभ आ गया सात, लेकिन ये बोल रहा है कि 7,000 है, सात का मान 7,000 रुपया। अब यहाँ मासिक दे रहा था या कुछ भी दे, मासिक दे, वर्ष दे, कुछ भी दे, सबका वर्ष समान यानी सबका समय समान है, तो कहीं भी समय से गुना करने का हम लोग को जरूरत नहीं है। काटेंगे इसको, सात एकम सात, सात से काटेंगे एक दो तीन, यानी एक का मान कितना? 1,000। किसका पूछ रहा है? आर का। जिसका पूछेगा उससे क्या करेंगे हम लोग? एक के मान से उसमें गुना कर देंगे। तो आर का पूछा, आर का कितना है? अनुपातिक मान चार, यानी चार में एक के मान यानी 1,000 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 4,000 क्या? रुपया। तो आर को कितना मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी 4,000 रुपया। अब इस पूरे क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मैथ का डोज ज्वाइन कीजिए, वहां आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा।